बताओ कैसे वर्क करता है? सर www में बहुत सारे वेब सर्वर्स होते हैं और वेब ब्राउजर्स के थ्रू हम लोग उसमें रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और वेब सर्वर रिस्पांस देता है। अच्छा, किस फॉर्म में रिस्पांस देगा? नहीं पता। चलो देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में जान रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि एक वेब सर्वर होता है, ठीक है, ये एक वेब सर्वर है, ठीक है। अब वेब ब्राउजर के थ्रू जो हमारा क्लाइंट है, इस क्लाइंट के थ्रू हम लोग रिक्वेस्ट किसमें सेंड करेंगे? इस वेब ब्राउजर पे हम लोग सेंड करेंगे, ठीक है। वेब ब्राउजर पे हम लोग रिक्वेस्ट सेंड किए, ठीक है, रिक्वेस्ट सेंड किए। अब वेब ब्राउजर क्या करता है? उसको प्रोसेस करता है, ठीक है। प्रोसेस करना मींस ये कोई ना कोई ऐसा एप्लीकेशन यूज कर रहा होगा या फिर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा होगा जिसके थ्रू इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा। अगर हम रिक्वेस्ट में मान के चलो यहाँ पे मैंने सेव कमांड दिया है, ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन लिख हम लोग ने बनाया है उसमें कुछ सेव हो रहा है, ठीक है, हम लोग उसको कमांड किससे दिए? इस वेब ब्राउजर से दिए हैं। वेब ब्राउजर से हम लोग सेव कमांड दिए, ये एज ए रिक्वेस्ट गया किसके पास? वेब सर्वर के पास गया। वेब सर्वर क्या करेगा? उसको प्रोसेस करेगा। अब ये प्रोसेस कर कैसे रहा है? किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के थ्रू कर रहा है, किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू करेगा, ओके। अब सॉफ्टवेयर जो होगा वो किसी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग का यूज करके बना होगा, लाइक PHP, ठीक है, ASP, ठीक है, और भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं, ठीक है। तो उस टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज करके यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर होगा, वो सॉफ्टवेयर प्रोसेस करेगा, ठीक है। वेब सर्वर मतलब हम लोग अगर बोल देंगे सिर्फ और सिर्फ वेब सर्वर, तो ये सिंपल सा कंप्यूटर होता है, ठीक है, कंप्यूटर ही होगा। लेकिन उस कंप्यूटर के अंदर ऐसा एक सॉफ्टवेयर डाला होगा जो इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, ठीक है। ये रिक्वेस्ट इस सॉफ्टवेयर के पास जाएगा और वो उसको जो भी वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना होगा सबका तरीका अलग अलग होता है उसको प्रोसेस करने का, तो वो उसको प्रोसेस करेगा और हम लोग को रिटर्न करेगा रिस्पॉन्स, ठीक है। हम लोग को क्या देगा? ये रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। रिस्पॉन्स जो होगा हम लोग को एक ही फॉर्मेट में देगा, वो फॉर्मेट होता है HTML। किस फॉर्मेट में हम लोग को देगा? HTML के फॉर्मेट में हम लोग को रिस्पॉन्स देगा जो हम लोग इस वेब ब्राउजर पे चलाते हैं। वेब ब्राउजर सिर्फ एक ही चीज सपोर्ट करता है, HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को ही सपोर्ट करता है और इसी फॉर्म में हम लोग को रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। द वेब वर्क्स एज द इंटरनेट बेसिक क्लाइंट सर्वर फॉर्मेट एज शोन इन द फॉलोइंग इमेज। द सर्वर स्टोर एंड ट्रांसफर वेब पेजेस और इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क बाय रिक्वेस्टेड बाय द यूजर। A web server is a software program which serves the web pages requested by the web user using a browser. Okay? Request kaise send karega? Using web browser. Aur kisko send karega? Software program ko karega jo ki us web server pe install kiya gaya hai. Okay? The computer of a user who requests document from a server is known as client. जिसको हम लोग ब्राउजर बोलते हैं। ब्राउजर विच इज इंस्टॉल ऑन द यूजर कंप्यूटर अलाउज यूजर टू व्यू द रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट्स के लिए रिक्वेस्ट यूजर ने दिया है वो सर्वर से रिस्पॉन्स के रूप में हम लोग को मिलेगा और वो फॉर्मेट जो होता है वो HTML फॉर्मेट में आएगा जो उस डॉक्यूमेंट को हम लोग को रिट्रीव करके दे रहा है वेब सर्वर से, ओके। वो एक HTML डॉक्यूमेंट होगा
अगर जैसे मान के चले कोई भी मैं यहाँ पे ब्राउजर को ओपन करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। तो ब्राउजर हमने ओपन कर लिया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ दुर्ग यूनिवर्सिटी, दुर्ग यूनिवर्सिटी मैंने लिखा तो यहाँ पे यूआरएल आ गया इसका, ठीक है, मैंने इसको खोला, ठीक है। ये रिक्वेस्ट मैंने दिया, क्या रिक्वेस्ट दिया, किसके थ्रू रिक्वेस्ट दिया, हमारे वेब ब्राउजर के थ्रू मैंने रिक्वेस्ट दिया, और हम लोग को यहाँ पे डॉक्यूमेंट ला के दिया है, ठीक है। अगर मैं इसको सेव कर देता हूँ, मैं इसको राइट क्लिक किया, सेव किया, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे वेब पेज कंप्लीट यहाँ 18 डॉट एच टी 19 एम एल देखने के लिए जनवरी मिल रहा है, दो हजार ठीक है। उन्नीस अगर मैं बस इसको डेस्कटॉप में सेव कर समय देता हूँ, ठीक है, समय सेव कर दिया मैंने समय डेस्कटॉप के में, कारण सत्र ये दो हो गया हजार सेव। बीस सेव में जैसे ही हुआ, सेवा काल को किया और और यहाँ पे अंतिम हम लोग वर्षा का देखेंगे मध्य समाप्त को तो दाखिल यहाँ करें। पे इंग्लिश हम में लोग को लिखना देखने चाहो के लिए तो मिल जाएगा, हिंदी भर रही है इसलिए, यहाँ कहाँ गया, पर महाविद्यालय का नाम है, यहाँ एक तो सर्टिफिकेट प्रमाणित किया जाता है कि श्री या कुमारी देवी को माधव सतीश कुमार, सतीश कुमार ये हो गया माधव। ओके। ये हम लोग का वैसे देखिए HTML डॉक्यूमेंट है, बीएससी की यहाँ पे अगर कॉमोडिटी इसका में टाइप देखेंगे तो इंग्लिश यहाँ पे दिख लिखे रहा हैं है HTML जैसे डॉक्यूमेंट, हमें इंग्लिश में लिखे थे ओके। तो इसमें ये हम लोग को रिस्पॉन्स बीएससी कैसा दिया, HTML डॉक्यूमेंट के माधव थ्रू दिया है हम लोग को माधव रिस्पॉन्स सेकंड ईयर जो है, ये सर्वर में स्टोर होगा, सेकंड ठीक है। या दुर्ग यूनिवर्सिटी जो यहाँ हिंदी में पे लिखे कि हम लोग ने एक सेकेंड ईयर वेबसाइट सेकेंड होस्ट ईयर किया है वो किसी का सर्वर पे होगा, और वो वेब बीएससी सर्वर से हम सेकेंड लोग को रिस्पॉन्स दे रहा है, है ना ठीक ये है। तो हम लोग यहाँ पे एक HTML डॉक्यूमेंट के जैसे थ्रू हम लोग को हिंदी रिस्पॉन्स यहाँ पे मिल रहा है, पूरा भर रही है ना ठीक है। पूरा। ओके, इस डायग्राम में अगर हम लोग देखें, इस डायग्राम में अगर हम लोग देखें तो मैं यहाँ बताता पे हूँ है ना पीसी क्लाइंट हमारा लोकल जो डेस्कटॉप है हमारा, पीसी या फिर लैपटॉप, कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं ये सब कुछ नहीं, वो सब यूनिवर्सिटी भर ठीक है। रही तो है। यहाँ मैं बता पे रहा हूँ ना जो ये कुछ हमारा नहीं, डेस्कटॉप है, कुछ नहीं पीसी भर है रही या फिर लैपटॉप है, ये सारे क्या है, क्लाइंट है, ठीक है, क्लाइंट है। क्लाइंट क्या करेगा, ना, रिक्वेस्ट लैपटॉप में भेजेगा, चलता है कोई दिक्कत नहीं रिक्वेस्ट कैसे नहीं। भेजेगा, HTTP को यूज करके भेजेगा। HTTP प्रोटोकॉल होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। HTTP रिक्वेस्ट भेजेगा इंटरनेट के थ्रू वेब सर्वर तक, वेब सर्वर तक गया, और वेब सर्वर जो होगा वो एक ऐसा पावरफुल कंप्यूटर होगा जिसके साथ में बहुत सारे डेटाबेसेस कनेक्टेड होंगे, ठीक है। और ये क्या करेगा, इस HTTP रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, इसको ठीक करना सबमिट करो ठीक है, ठीक है और यहाँ से हम लोग को एक रिस्पॉन्स देगा, और रिस्पॉन्स हम लोग को किस फॉर्म में देगा, HTML रिस्पॉन्स देगा, मीन्स HTML डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हम लोग को रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। जो हम लोग अपने डेस्कटॉप पे, पीसी में या फिर लैपटॉप, मोबाइल, ठीक है, जो भी हमारे डिवाइस है वहाँ पे हम लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से काम करता है। ऑल वेबसाइट आर स्टोर्ड इन अ वेब सर्वर जस्ट एज समवन लिव्स ऑन रेंट इन हाउस, ए वेबसाइट ऑक्यूपाइज अ स्पेस इन अ सर्वर एंड रिमेन्स स्टोर्ड इन इट, ठीक है। अब वेब सर्वर जो होता है वो ऐसा नहीं होता है कि वो हम लोग एक कंप्यूटर खरीद के वहां पर रख दिए, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सर्वर जो होता है इसके अंदर अलग अलग टाइप के एप्लीकेशन चलते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार का वेब स्पेस यहाँ होता तो है, हमारा पॉइंट ठीक है। है इस वेब स्पेस में हम लोग क्या करते सॉरी हैं, अपने वेबसाइट को होस्ट करते हैं, ठीक है। मतलब ये एक प्रकार का हम लोग को लाइक जैसे हार्ड डिस्क होता है, हार्ड डिस्क में हम लोग को कितना स्पेस मिल जाता है, 500 GB, 1 TB, इस टाइप का हार्ड डिस्क मिलता है। तो वैसे ही वेब स्पेस होता है, थोड़ा कॉस्टली होता है, ठीक है। हम लोग को यहाँ पे ये कुछ चिकन है टेन आपका जी बी नहीं ठीक है ट्वेंटी चलेगा फाइव चलेगा जी बी चलेगा ठीक है, कोई इस दिक्कत नहीं प्रकार का हम लोग को ऐसा स्पेस खाना बना मिलता है। रखते हैं अब ओके इसी में हम लोग को जितने भी वेबसाइट से रिलेटेड वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे स्टोर करने होते हैं, नाम किसका ठीक है। कल है जैसे मैं आप लोग को मेरा खुद का वेबसाइट दिखाया था, तो उसमें मैंने क्या किया था, मैं उसको एक बार प्रैक्टिकल दिखाता हूँ क्या उसमें होता है।
ओके तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं, स्क्रीन दिख रहा है और यहाँ पे मैंने अपना URL खोल दिया, ठीक है, ये मेरा खुद का वेबसाइट है, ठीक है। अब अगर मैं इसके यहाँ पे मैं सी पैनल खोलता हूँ, ठीक है, ये मेरा कंट्रोल पैनल है, मतलब इस वेबसाइट को मैनेज करने का एक पैनल है मेरे पास, ठीक है। मैंने इसको लॉगिन किया, ठीक है, ये हमारा वेब सर्वर है जो मैंने यहाँ पे लॉगिन किया है, ठीक है। सी पैनल जो यहाँ पे दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरा शेयर्ड आईपी एड्रेस दिख रहा है, ठीक है, ये मेरे सर्वर का आईपी एड्रेस है, ओके। मेरा ये होम धीरेन्द्र इस टाइप का डायरेक्टरी है उस सर्वर पे, लास्ट लॉगिन मैंने इस आईपी एड्रेस से किया था, ठीक है। यहाँ पे देखो एसक्यूएल डेटाबेसेस, एफटीपी अकाउंट्स, ठीक है, फॉरवर्डर, ईमेल्स, इस टाइप का। यहाँ पे देखो फिजिकल मेमोरी यूसेज, ठीक है, 0 bytes और 1 GB का स्पेस है मेरे पास, ठीक है। मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं था, मैं सस्ता वाला प्लान ले लिया और मुझे 1 GB का स्पेस चाहिए था वेब में, ठीक है, मैंने 1 GB का स्पेस ले लिया और कुछ भी मुझे इसमें ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे डिस्क यूसेज हम लोग दे सकते हैं, तो 500 GB का प्राइमरी होता है, तो मैंने यहाँ पे 91 MB का स्पेस यूज़ कर लिया है और मेरा बैंडविड्थ है 400 MB, ठीक है, और मैं यहाँ पे 12 MB यूज़ कर चुका हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार का हम लोग क्या करते हैं, ये मेरा वेब सर्वर है, मैंने रिक्वेस्ट कहाँ से भेजा, इस वेब ब्राउज़र से भेजा, यहाँ पे धीरेन्द्र डॉट टेक करके मैंने एंटर किया, ठीक है, रिक्वेस्ट गया होगा, वहाँ से HTML के फॉर्म में रिस्पॉन्स आ जा रहा है, ठीक है। जो हमारी HTML फाइल्स है वो भी इसी के अंदर स्टोर है। मैं यहाँ फाइल मैनेजर पे अगर जाता हूँ, फाइल मैनेजर मैंने खोला है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे HTML फाइल्स जो है वो मुझे दिख जाएगी। तो मैंने जो भी बनाया है पब्लिक HTML करके है और इसके अंदर ये मेरा index.html जो फाइल है वो ये जो खुल रहा है, ये वाला index.html फाइल है, ठीक है। तो ये सारी फाइल्स मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी है, ठीक है। जैसा हम लोग कंप्यूटर में करते हैं वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग फाइल मैनेजर दिया हुआ है और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं। तो ये क्या करता है, सर्वर पे एग्जीक्यूट होता है, जितनी भी फाइल्स होती हैं सब सर्वर पे एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। सर्वर ऐसा नहीं होता कि एक कंप्यूटर लग रख दिया और उसमें सब चीज़ हम लोग डंप करके छोड़ती है और एक्सेस कर सकते हैं, किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हम लोग को उसको करना होता है। तो ये कंट्रोल पैनल एक सॉफ्टवेयर बना है जिसके अंदर मल्टीपल हजारों वेबसाइट स्टोर होते हैं, हजारों वेबसाइट्स के डेटा स्टोर होते हैं, ठीक है। इसी कंट्रोल पैनल से या सॉफ्टवेयर से ही सारे चीज़ें हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, ओके। अगर इसमें और चीज़ दिखाऊँ, और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पे देखो PHP माई एडमिन, ठीक है, MySQL databases है, ठीक है, साइट पब्लिशर, domains, add-on domains, बहुत सारे इसके अंदर सर्विस मिल जाती है हम लोग को, और ठीक है, ये पूरी वेब सर्वर की सर्विस है, ठीक है। यहाँ पे देखो SSL हम लोग को मिलता है, सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है, जो HTTPS यहाँ पे हम लोग को दिखता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है HTTPS, ठीक है। तो ये अगर हम लोग को लगाना है, जैसे मेरे उसमें नहीं दिख रहा है, ठीक है, अभी नॉट सिक्योर बता रहा है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ लॉक दिखाए और सिक्योर दिखाए, कनेक्शन इज सिक्योर, ठीक है, यहाँ पे नॉट सिक्योर दिखा रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, SSL परचेज करके यहाँ पे सर्टिफिकेट ले सकते हैं, ठीक है, मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैंने नहीं लिया यहाँ पे, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग को मिल जाती है, और भी स्क्रिप्ट्स यहाँ पे मिलते हैं, वर्डप्रेस, जूमला, एवेंटिकार्ट, PHP BB, ठीक है, WHM, ओपन रियल स्टेट, ये सारे एप्लीकेशंस पहले से हम लोग को इसके अंदर मिलते हैं, ओपन कार्ट, कॉन्क्रीट, क्लिपबग, ठीक है, बहुत सारे इसके अंदर कैटेगरीज मिलते हैं, ब्लॉग्स, माइक्रो ब्लॉग्स, पोर्टल, CMS, फोरम्स, इमेज गैलरीज, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग, एड मैनेजमेंट, कैलेंडर, गेमिंग, मेल्स, पोल्स, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ई कॉमर्स, ERP, इस टाइप की भी बहुत सारे सर्विसेज हम लोग को वेब सर्वर के थ्रू मिलती है, ठीक है। तो इससे हम लोग इजीली अपने वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं और हम लोग सारी चीज़ें ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पोर्ट नंबर मुझे मिला 2083 जो हमारे वेब सर्वर का होगा, ठीक है, ये उसका लॉगिन है,
यहाँ पे जो दिख रहा है, ठीक है, और ये फ्रंट एंड जो है वो दिख रहा है, ठीक है, ये सीपी सेशन जो है ये नंबर से वो चल रहा है, ठीक है, ये किसी का फोन नंबर है, उसी से लॉग इन किया हुआ है, ठीक है, उसी से वो चल रहा है, ठीक है। ठीक है, समझ में आया क्या, कैसे रिक्वेस्ट भेजता है, कैसे उसको प्रोसेस करता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, द मोमेंट यू ओपन द ब्राउजर एंड टाइप ए यू आर एल इन द एड्रेस बार और सर्च समथिंग ऑन गूगल, www स्टार्ट वर्किंग, देर आर थ्री मेन टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्विंग इन ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन वेब पेजेस फ्रॉम सर्वर्स टू क्लाइंट कंप्यूटर्स ऑफ यूजर्स, ठीक है। These technologies include hypertext markup language, hypertext transfer protocol and web browsers. ठीक है, तो तीन टेक्नोलॉजी इसमें काम करती है, कौन कौन सी, hypertext markup language, hypertext transfer protocol और web browser. ठीक है, web browser के through ही हम लोग hypertext transfer protocol request हम लोग send करते हैं और response हम लोग को किसके through मिलता है, HTML के through हम लोग को मिलता है, okay? ठीक है, HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज विच इज यूज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस, एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है, या फिर हम लोग उसको HTML स्क्रिप्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग वेब पेजेस डिजाइन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस थ्रू HTML एलिमेंट्स और टैग्स, दीज टैग्स आर यूज टू ऑर्गेनाइज द पीसेस ऑफ कंटेंट सच एज हेडिंग पैराग्राफ टेबल इमेज एंड मोर, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे पहले से एलिमेंट्स और टैग्स दिए होते हैं जिसके थ्रू हम लोग अपने कंटेंट को वेल मैनेज कर सकते हैं, जैसे हेडिंग हो गया, पैराग्राफ हो गया, टेबल, इमेज, ये बहुत सारे उसमें कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, उसको बहुत हम लोग सुंदर सा उसमें डिजाइन कर सकते हैं। यू डोंट सी HTML टैग्स व्हेन यू ओपन ए वेब पेज एज ब्राउजर्स, डोंट डिस्प्ले द टैग्स एंड use them only to render the content of a web page, ठीक है। जो भी टैग्स हम लोग यहाँ पे HTML में यूज करते हैं वो हम लोग को दिखता नहीं है, लेकिन वो वेब ब्राउजर पे रेंडर होता है। रेंडर करना मीन्स क्या होगा कि वो उस कंटेंट जो भी हमने उस टैग के अंदर लिखा है उसको अपने इफेक्ट से उसको रेंडर करेगा, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स, HTML इज यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट, इमेजेस एंड अदर रिसोर्सेज थ्रू ए वेब ब्राउजर, ठीक है। HTML हम लोग किस लिए यूज करते हैं, ताकि हम लोग अपने टेक्स्ट को, इमेज को, वीडियो को, एनिमेशन को, सारे उसका एक बंच बना के हम लोग ब्राउजर पे डिस्प्ले कर सके, ठीक है। वेब ब्राउजर तो सभी लोग जानते हैं क्या होता है वेब ब्राउजर, बहुत सारे वेब ब्राउजर्स अवेलेबल होते हैं, क्रोम, सफारी, यूसी ब्राउजर, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, ऐसे करोड़ों वेब ब्राउजर्स अवेलेबल है इस दुनिया में, ठीक है। जो अवेलेबल नहीं होगा तो खुद से बना लेते हैं लोग, ठीक है। ए वेब ब्राउजर इज कॉमनली नोन एज ब्राउजर, इट इज अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेस टेक्स्ट, डेटा, पिक्चर्स, वीडियो, एनिमेशन एंड मोर। इट प्रोवाइड्स अ सॉफ्टवेयर इंटरफेस दैट अलाउज यू टू क्लिक हाइपरलिंक रिसोर्सेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। ये एक ऐसा इंटरफेस देता है जो एक हाइपर टेक्स्ट को हाइपरलिंक बनाता है और उसको हम लोग क्लिक करते हैं तो कोई दूसरा पेज ओपन होता है, मींस टेक्स्ट को लिंक करता है आपस में, ठीक है। व्हेन यू डबल क्लिक द ब्राउजर आइकन इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर टू लॉन्च इट, यू गेट कनेक्टेड टू द वर्ल्ड वाइड वेब एंड कैन सर्च गूगल और टाइप ए यू आर एल इन टू द एड्रेस बार, ठीक है। जब भी हम लोग एक ब्राउजर को ओपन करते हैं, ठीक है, तो वो वर्ल्ड वाइड वेब से हम लोग को कनेक्ट करता है, ठीक है, इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है, बिना इंटरनेट कनेक्ट किए हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे ही हम लोग वेब ब्राउजर को खोलते हैं वो हम लोग को वर्ल्ड वाइड वेब से कनेक्ट करता है और हम लोग यूआरएल के थ्रू किसी भी सर्वर से हम लोग रिस्पांस ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वेब ब्राउजर अवेलेबल है, ठीक है, बहुत सारी इसकी फैसिलिटीज होती है, लाइक जैसे ईमेलिंग, ट्रांसफरिंग मल्टीमीडिया फाइल्स, यूजिंग सोशल मीडिया वेबसाइट्स, ठीक है, ऑनलाइन डिस्कशन, ठीक है, बहुत सारे हम लोग को यहाँ पे सर्विस भी मिल जाती है इसी के अंदर, ठीक है। आजकल के जो वेब ब्राउजर बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं, ठीक है,
हजारों टाइप की प्लगइन्स उसके अंदर अवेलेबल होती है, जो हम लोग डेस्कटॉप में सेव करते हैं वो सारी चीज आजकल हम लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग गूगल क्रोम में देखें, गूगल क्रोम की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें भी बहुत सारे प्लगइन्स पहले से हम लोग को मिलते हैं, एक्सटेंशन हम लोग को मिलते हैं। मीन्स ऑनलाइन ब्राउजर पे भी हम लोग बहुत सारे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं उसको प्लगइन या फिर एक्सटेंशन बना के। ठीक है, तो आज की डेट के वेब ब्राउजर जो है बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए। ठीक है, हम लोग सारी चीज़ उसी में कर सकते हैं जो हम लोग डेस्कटॉप में करते हैं। जैसे हम लोग वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो हम लोग डेस्कटॉप पे इंस्टॉल करके रखते हैं, कंप्यूटर पे इंस्टॉल करके रखते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ जो हम लोग अटेंडेंस लेते हैं, यहाँ पे अटेंडेंस, ये एक्सेल शीट है। ठीक है, ये क्या है, एक्सेल शीट है, ये ऑनलाइन चल रही है जो docs.google.com, यहाँ पे स्प्रेडशीट दिख रहा होगा, तो ये स्प्रेडशीट है, मतलब एक एक्सेल शीट है। सारी फैसिलिटीज वही है जो हम लोग को डेस्कटॉप में मिलती है, यहाँ साथ में कैलेंडर भी मिल जाता है, की बहुत सारे और भी चीज़ें हम लोग को मिल जाती है। ठीक है, ऑनलाइन में भी एड ऑन्स हम लोग को मिल जाता है, तो ये सारी चीज़ें जो है वेब ब्राउजर पे ही एक्सेस हो पाती है। ठीक है, तो वेब ब्राउजर जो है वो अपने टेक्नोलॉजी को बढ़ाता है और ये सारी चीज़ें सपोर्ट करता है। ठीक है, अगर बहुत पुराने ज़माने का वेब ब्राउजर यूज़ करोगे, ठीक है, आज से 5 साल पहले वाला वर्जन यूज करना, तो ये सारी चीजें सपोर्ट ही नहीं करेगा वहां पे। ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे वेब ब्राउजर भी अपने आपको अपडेट करते जाते हैं। ओके, तो ये था वेब ब्राउजर।